पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है वे सबका साथ सबका विश्वास और सबके साथ चलने वाली पार्टी है। इसमें ये दोहराई नहीं है, मोदी जी है तो मुमकिन है। तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है अंत्योदय, हर एक उस इंसान तक पहुंचना, जहां वो पहाड़ियों के ऊपर क्यों ना रहता हो वहां पे उसको पहुंचना ही पहुंचना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और जो अमेंडमेंट बिल है, भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान कर दिया था कि पहले ही मैनिफेस्टो में कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के लिए 27% पूरे देश में रिजर्वेशन मिल रही है और जम्मू कश्मीर में हमें हक मिला है। तो हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सरकार और साथ साथ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम मुबारकबाद करते हैं कि आप लोग ने हमारे जैसे लोगों को जो 70 सालों यहाँ के रीजनल पार्टियों ने हमें अपने पांव के नीचे तले दबा के रखा था, वो मोदी जी और अमित शाह जी और पूरे ऐवान ने जो पार्लियामेंट में ऐवान उन लोगों ने हमें वो आश्वासन दिया, वो रुतबा दिया, वो फैसला हमारे हुकूक में वो दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज के लोग बड़े खुश है उस फैसले से। और यहाँ के रीजनल पार्टियों को हमें अब महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ के रीजनल पार्टियों को कितना ये बर्दाश्त हो रहा है और कितना बर्दाश्त नहीं होता है कि यहाँ के रीजनल पार्टियों के साथ साथ हमारे लोकल एमएलए ने इस पर भी थोड़ा सा वो अपना इजहार किया कि ये लोग इनको ये हकूक नहीं मिलने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी है तो मुमकिन है। ओबीसी समाज को अब 27% रिजर्वेशन मिलेगी, चाहे वो स्कूलों में सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो बीडीसी पंच सरपंच, हर एक सिस्टम में हर एक जो भी पूरे देश में कानून लागू किए गए हैं वो ओबीसी समाज को जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी।